and gentlemen, for this living legend Sanjay Mishra ji, warm welcome, good evening. और सर क्या कमाल का ट्रेलर है, क्या कमाल की ओपनिंग है. बहुत बहुत मुबारकबाद बैसाखी की आपको शुभकामनाएं और ऐसे मौके पे ऐसे तोहफे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अम्बेडकर जयंती भी है और ये हम एक्टर्स के लिए बड़ा अच्छा है कि हमारा कोई काम ठीक उनके ही दिन के दिन एक अच्छा सब्जेक्ट उसी तरह की फिल्म आ रही है जो बेहतरीन है. तो सर क्या बात सर, अक्सर मूवी हॉल भरे रहते हैं, हाउसफुल होते हैं, मगर आज मैंने इतने ट्रेलर लॉन्च कर चुका हूं, मगर आज पहली बार देखा है कि ट्रेलर लॉन्च के लिए भी हाउसफुल है. जोरदार तालियां ऑडियंस के लिए, स्पिरिट के लिए, और ए नेशनल हॉलीडे आप लोग यहां पे आए हैं. आई थिंक दैट्स द मैजिक ऑफ दिस मैन. संजय जी सर, हमें तो ट्रेलर बहुत अच्छा लगा और आपको एज एन एक्टर, एज अभिनेता, आपको फिल्म कोर्ट का ट्रेलर कैसा लगा, हम आपसे जानना चाहेंगे. कोर्ट का ट्रेलर अपनी बात कहती है, जो उसको कहना है भटक नहीं रही है. और सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया, सब ने बेहतरीन. डायरेक्टर कहाँ है, अक्षय कहाँ है बे? हाँ, मैं उसकी शक्ल दिखाना चाहता हूँ. मैंने फिल्म क्यों की, देख रहे हैं इनको, दो तीन बार कहानी सुना के बना पाएगा यार, मतलब कैसे करेगा ये. हाँ, सालों बाद हंसा है. हाँ, बहुत ही जो विवान का, माधव का रोल है इस फिल्म में, ये इसकी जिंदगी का भी रोल है. सो बहुत बड़ी बात है, एक छोटे से गांव से उठ के मतलब ट्रेलर में हाउसफुल करवा दिया. हाउसफुल क्या, हाउस खड़ा खड़ा तो करवा दिया. इनके लिए एक ताली बजाओ दोस्तों. सॉरी, मैंने इसको पहले ही बुला लिया, तो बाद में बुलवा लिया था. और कुछ सवाल? नहीं नहीं सर, बिल्कुल आप यहीं पे रहिए अक्षय जी. एंड ऑन दैट नोट हम बुलाना चाहेंगे माधव को. ऑफ कोर्स इनकी एक्टिंग देखने के बाद हर कोई कहेगा वाह वाह. इनकी एक्टिंग देखने के बाद हर कोई कहेगा वाह वाह. प्लीज वेलकम विवांशा, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी गुड इवनिंग. एंड Good evening. It's so good to be here. Thank you all for coming. और I hope कि आप सबको ट्रेलर पसंद आया. बहुत हम सब ने बहुत प्यार और मेहनत और सोच के साथ ये फिल्म बनाई थी. और मुझे, मैं बता ही नहीं सकता हूँ कि मैं कितना सीखा, सिर्फ अपने कला के बारे में ही नहीं बल्कि जिंदगी के बारे में, देश के बारे में, समाज के बारे में. इस क्योंकि ये जो किरदार जो मैं निभा रहा हूँ इस फिल्म में, मेरे तजुर्बे से बहुत ही बाहर है. और इसे इसे निभाने के लिए मुझे सच्ची में अपनी सोच को और एक्सपैंड करनी पड़ी और अपनी समझ को भी एक्सपैंड करनी पड़ी. तो आंखें खुल गए, दिमाग खुल गया और दिल और आत्मा भी खुल गया इस फिल्म को बनाते समय. और मैं सच्ची में मैं थैंक नहीं कर सकता हूँ इनफ संजय जी को. इनने मेरा इतना मदद किया वहाँ पे, हर जो छोटी छोटी जो चीज़ें थी, हर अल्फाज पर, जो डायलेक्ट थी, जो माधव की जो अदा है, जो कल्चर है, जो 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 जिस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे ढूंढने में सबने इतना मदद किया. सोनल मैम ने, सबने, अभिषेक, अक्षय, सब लोग जो जिन्होंने भी फिल्म पे काम किया, लेकिन सबसे ज़्यादा संजय जी मेरे लिए एक मेंटोर की तरह हैं. और मैंने इतना सीखा है इनसे और इतना मजा आया है इनके साथ काम करके कि मैं मतलब बता ही नहीं सकता हूँ. खाने का भी ये जानना चाहेंगे हम, खाने के लिए खाने में क्या सिखाया? बहुत मुझे तो ये सबसे दिलचस्प चीज लगी. खाना सिखाया या नहीं? एक बहुत दिलचस्प किस्म की राई का तेल, सरसों का. देखिए शायद आपको सोचना पड़ेगा कि यह वही हैं सोनल जी जिनको हमने बड़े पर्दे पे देखा था. यही तो मजा है एज एन एक्टर. या एग्जैक्टली. सोनल जी, हमने तो देख लिया ट्रेलर और हमें बहुत अच्छा लगा है. व्हाट यू हैव टू से टुडे अबाउट दिस इवेंट, द ट्रेलर लॉन्च? दैट आई एम सो ग्लैड एंड एक्साइटेड. इट्स बीन 5 years, ऑलमोस्ट 5 years वी शॉट दिस फिल्म. और 5 साल के बाद इतनी मेहनत, वैसे मेहनत तो सभी लोग करते हैं सभी फिल्म में, लेकिन अगर सच में मेहनत शब्द का कोई मतलब है तो इस फिल्म को बनाने में अभिषेक और अक्षय ने जो मेहनत की, हैट्स ऑफ टू देम. जैसा कि संजय जी ने कहा कि ये दोनों बच्चे जो आए थे एक सपने
विश्वास नहीं हुआ था कि ये लोग फिल्म बना पाएंगे, लेकिन उन्होंने फिल्म बना दी और आज आपके सामने ट्रेलर है। अभिषेक आ जाओ। उस तबके के किसी बच्चे को एक इंस्पिरेशन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो सपना देखने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिसका अंदाज़ा भी हम लोग नहीं लगा पाएंगे। तो ये फिल्म देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि सपने को वो बच्चा जो माधव जो है कितनी मुश्किलों के बाद पूरा करता है। और आज अम्बेडकर जी की का जन्म दिवस है, इसलिए ट्रेलर आज लॉन्च हो रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो यही मुझे कहना है। बिल्कुल बिल्कुल, बखूबी आपने कहा। और अभिषेक से हम बहुत सारी बातचीत करेंगे। पाने की चाहत, क्या बात है। ऑन दैट नोट मैं बुलाना चाहूंगा फिल्म की हीरोइन को, जिनके इनके जैसा ना कोई दूजा। प्लीज वेलकम पूजा पाने, लेडीज एंड जेंटलमैन। आई नो आप लोगों को थोड़ा सा वक्त लगेगा समझने में, देखने में, क्योंकि वही चेहरे हैं जिनको आपने ट्रेलर में देखा, बट यस दैट्स पूजा पांडे। सो पूजा, कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको किरदार में ढलने के लिए, बिकॉज आप इतने ग्लैम में हैं तो हम मेरे ख्याल से कोई पहचान नहीं पाएगा कि वो आप ही थी। फर्स्टली थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। इस फिल्म का रिलीज ही इतना वेट कराया, 4-5 साल लग गए फिल्म को रिलीज करने में, बट बहुत अच्छा फील हो रहा है, फाइनली फिल्म रिलीज हो रही है। और ये मेरी पहली फिल्म थी तो मुझे इसलिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि मेरी पहली फिल्म में इतने बड़े एक्टर्स, संजय सर, विवान शाह, नसीर सर, सोनल मैम, इतने अच्छे एक्टर्स और इतने इंस्पायरिंग एक्टर्स, इतने मदद की मुझे, मतलब एज एन एक्टर ग्रो करने में। विवान ने मेरी बहुत हेल्प की नो मैटर वॉट, मतलब मुझे जो मुझे दिक्कतें जाती थी विवान मुझे पूरा करता था। एंड इवन संजय सर के साथ ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है, बट मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। फ्री टाइम में मैं उनसे काफ़ी कुछ पूछती थी कि आपकी जर्नी कैसी रही एज एन एक्टर, तो काफ़ी वो बहुत इंस्पायरिंग, मतलब सेट पे आप उनका इंटरव्यू करती रहती थी। नहीं हाँ, एक्चुअली हम सब तो वो बहुत अच्छा था वैसे तौर पे। तो मतलब एक्टर के साथ साथ अच्छे जर्नलिस्ट भी बन गए आप सेट पे सवाल पूछ के। राइट, ऑन दैट नोट हम चलते हैं नेक्स्ट। राज बर्मन इज देयर, ओके। वरदान सिंह प्लीज कम ऑन स्टेज। जोरदार तालियां वरदान सिंह के लिए। शालिनी पांडे, जोरदार तालियां शालिनी पांडे के लिए। यार इनको तो खैर हर कोई जानता ही है, आप ऐसे सरप्राइज होगी, मुझे लगा कि शायद पता नहीं मैंने क्या कर दिया ऐसा। तो वेल, ये तो हमारी स्टार कास्ट थी फिल्म की। एंड देन नवीन प्रकाश जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बादल राजपूत के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, लेडीज एंड जेंटलमैन। हमने ट्विटर लॉन्च किया गया है। सो ऑन दैट नोट सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा, इनफैक्ट वो हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोड्यूसर एंड ऑल्सो द क्रिएटिव डायरेक्टर, जिन्होंने तकरीबन 5-7 साल से इस प्रोजेक्ट में मेहनत की है। एंड आई थिंक इट इज अ बिग डे एंड इट इज एक्चुअली अ वेरी ऑस्पिशियस डे। जो मुश्किल माधव इस फिल्म में कोट पाने के लिए करता है, आई थिंक वो रियल लाइफ में माधव है, एंड दैट इज कुमार अभिषेक। लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर दिस मैन हु हैज बीन वर्किंग एक्सट्रीमली हार्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट कोट। ही इज रियल लाइफ माधव जो आपके सामने है। आई नो इट्स वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर माधव, फॉर रियल लाइफ माधव आई वुड से, फॉर कुमार अभिषेक। बट अभिषेक प्लीज। अभिषेक मैं शुरू करूँ? चलो मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों एक कविता लिखा था मैंने, आज से 5-6 साल पहले लिखा था, लेकिन तब फिल्म शुरू नहीं हुई थी जी। तो मुझे वो पूरी एक्चुअली में इनका चेहरा है और जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो भी लगेगा पहली बार काम कर रहे हैं, क्योंकि वो इंसान है ही नहीं जो एक्चुअली में ये है मुंबई में। तो ये कविता मैं समर्पित करता हूँ अभिषेक को, हमारे विवान साहब को, हमारे जो है अक्षय को, जो भी पहली बार पूजा को। तो हर कोई क्या है ना, जो पत्थर है वो पत्थर है, लेकिन हीरा भी पत्थर में से एक है। तो उसको ध्यान में रख के मैंने कविता लिखी कि खुद को पहचानो हो कौन तुम, शायद जानते नहीं इसलिए हो मौन तुम। दावा है मेरा तेरे खून में भी एक ताजगी है, बनाओ इसे बड़ी अनमोल तेरी जिंदगी है। अगर शक है तो सुनो, अपना साथी अपने दिल को चुनो, पूछो जरा कहो भला बुरा। हीरा पत्थर ही रह जाता अगर पहचानने वाले ना होते, जमीन में दबा रह जाता अगर निकालने वाले ना होते। अगर महसूस होता ऐसा
तो फिर शक कैसा, निकल पड़ो पर्वतों का सीना चीरने, सागर का पानी रेगिस्तान में डालने, तुम्हारे साथ सबकी दुआ है, तेरी शक्ति का एहसास किसी को हुआ है। तो दोस्तों क्या बात है, बहुत किसी न किसी को तो एहसास हुआ होगा हम लोगों के बारे में, तब तो ये बन पाया है। ईश्वर की आस्था के साथ मैं चाहता हूँ कि अक्षय और अभिषेक ने जो मेहनत किया है उसका सफल परिणाम इसको मिले और इसका नाम फलक पर छा जाए। थैंक यू, बहुत खूब, बहुत खूब कविता है। मम्मी प्लीज अब आइए, प्लीज ऑन स्टेज, जोरदार तालियां। आई थिंक मैं सबसे बड़ी ब्लेसिंग है टू हैव ऑन स्टेज। आइए सर प्लीज ऑन स्टेज। आई थिंक अगर किसी प्रोजेक्ट में आपको 5-7 साल लग जाए, ऐसे में कुछ काम करे ना करे मगर एक चीज काम करती है, वो है माँ बाप की दुआ। जोरदार तालियां फॉर लेडीज एंड फॉर दिस पेरेंट्स हु हैव मेड इट हियर। एंड ऑल्सो ऑन दैट नोट, अ मैन जब भी कोई फिल्म किसी भी मुसीबत में होती है उनकी मदद करने जरूर आते हैं। बहुत ही प्यारे, बहुत ही चुलबुले इंसान है ये अर्पित गर्ग। जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन इनके लिए। द मैन बिहाइंड ब्रांड एक्स एंटरटेनमेंट and Arpit, thank you so much because you know you've always been a great support to all the great films and I really hope ki aap ye karte rahe aage bhi film ko support karna. And inke sath of course we have the other two producers, Pinnu Singh jo abhi shayad yahan pe maujood nahi hai magar yes the man looking absolutely dapper, Shiv Aryan. Zordaar taaliyan ladies and gentlemen. He is also the a very important pillar of the film. He is the producer, aap jante hain. So well, we have the a success and finally trailer launch Baisakhi ke din aaj aur itne bade mauke pe aapke samne hai. Aise mein main chahta hu ki Kumar Abhishek aap kuch shabd kahein. I know it's a very emotional moment for you and it's hard but still please. Maane harne nahi diya. मैम मैं चाहूँगा कि आप कुछ कहें इस बारे में बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स मदर्स ब्लेसिंग्स एंड आप जो पेरेंट्स आते हैं पर्सनली आई आल्सो गेट रियली इमोशनल। आपने जर्नी देखी है, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट इट। इच्छा शक्ति था इसको हम लोगों ने कड़ी मेहनत से पूरा किया। Before Akshay Didi says something, zordaar taaliyan for this man again who has been working extremely hard for the last 5-7 years. I think इस फिल्म में जितने भी इस कास्टिंग क्रू में जितने भी लोग हैं स्पेशली द प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स ये अपनी रियल लाइफ के माधव हैं, तो फिर से जोरदार तालियां। धन्यवाद सभी का। हमने जितनी मेहनत से फिल्में बनाई अब आपके सामने आने वाला है, तो प्लीज़ देखिए आप लोग और बताइए कि हमने क्या ही मेहनत किया है, कैसे किया है। मैं अभिषेक संजय सर के पास जब गए तो जैसे अभी भी बता रहे कि कैसे फिल्म बनाएगा, सो उन्होंने यही सवाल किया था, अरे कैसे फिल्म बना। मैं आप लोग तो साथ पे काम कीजिए फिर। थैंक यू। ऑन दैट नोट अर्पित जी मेरे साथ हैं, ही इज अ वेरी लवी डवी, बहुत ही प्यारे से, बहुत ही क्यूट से प्रोड्यूसर हैं ये। एंड जब भी इंसान मुसीबत में होता है तो दोस्त कभी मदद में नहीं आता, मगर किसी की भी फिल्म जिन दिनों हम शूट कर रहे थे ठग लगी हुई थी, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, तीन बार देखी फिल्म और सब्जियां खूब खरीद। हाँ, जिस जगह पे बिहार शरीफ शूटिंग कर रहे थे वहाँ बहुत सब्जियां बहुत फ्रेश, वो माता जी के हाथ के भी का खाना खाया और हम वैसे ही हो गए थे। क्यों विवान, जो कैरेक्टर है हमारा हम वैसे ही हो गए थे। हाँ, फादर सन है एंड हमारे अच्छे कपड़े बक्से में ही रखे रह गए, हम सिर्फ वही पहन के घूम रहे थे।
अच्छा होता है एक अभिनेता के लिए, अलग 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 तरीके का एक्सपीरियंस, किस तरह का, कैसे वो चूहा मार के खा रहा था, है ना, उसको मूसा बोलते हैं, ग्रेट, बस खड़े खड़े समाधि हो जाएगी बे। ओके, ऑन दैट नोट बहुत सारे सवाल आई एम श्योर कि मीडिया के भी यहाँ पे होंगे, सो वी कैन स्टार्ट क्विकली विद द क्वेश्चनर, एनीबडी? Yes, yes, but I would say that consult is probably the wrong word. I told him that I'm doing it, and I did consult him on the level of, because you know, एक बहुत दिलचस्प चीज है कि अक्षय ने मुझे बताया था कि वो बहुत पार से बहुत इंस्पायर्ड था, और तो ये फिल्म, मतलब मेरा जो काम है ये, वो पार का 1/10 या अगर एक हल्का सा भी छू सकता है पार को, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आई डिड आस्क हिज एडवाइस एंड हिज, बट हिज मेन एडवाइस टू मी वाज दैट आल्सो व्हाट संजय जी सेड इज दैट यू हैव टू गो कम्प्लीटली बियॉन्ड योरसेल्फ, बियॉन्ड योर ओन लाइफ एक्सपीरियंस, एंड दैट इट रिक्वायर्स अ लेवल ऑफ वर्क एंड एंड डेडिकेशन दैट नो अदर रोल हैज रिक्वायर्ड बिफोर फॉर मी. This is the most challenging and the most mind-expanding role that I think I've ever done. It changed me as a human being because it opened my eyes to the circumstances of people who are not from the big city or from my social strata. You know, it's a very profound experience in that sense. I think Abhishek and Akshay convinced him. Hi, Vivan. मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मेकअप है वो तो दिख रहा है कि वो टीम ने बनाया है, और मैं ऐसे लोगों को भी देख ही रहे थे, तो आप ऐसा क्या कर रहे थे कि वो किरदार वो ऐसा दिखे भी? आपकी अपनी तैयारी क्या थी, कैसे आप उसको अपने अंदर ला रहे थे कि आपकी हेयर स्टाइल, आपका लुक, आप भी ध्यान रख रहे होंगे कि ऐसा दिखेगा, वो तैयारी अगर आप शेयर करें। वो तैयारी एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस था। मेकअप मैन जो है प्रकाश दादा, जो मेरे पिताजी के मेकअप मैन हैं, एक्चुअली मेरे साथ आए थे, वो फ्री थे वो टाइम पे, तो मेरे साथ आए भी यार वो 2 महीने के लिए। वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस था कि हमने इस किरदार का जो हुलिया है कैसे बनाया, इसको कैसे पेश किया, कैसे दिखाया गया, वो हमारे लिए एक बहुत स्पेसिफिक लुक था इसके लिए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी जो मेरे कंधों पर थी कि ऐसा दिखना नहीं चाहिए था कि ये बम्बई का पला बड़ा लड़का एक बिहारी का रोल कर रहा है, जो और खास करके जो एक गरीब स्थान से आया, उसका रूप निभाना और उससे बनना, उसकी जीवन को समझना, उसकी स्थिति को समझना, ये सारी चीज़ें बहुत ही इमोशनल और फिजिकल दोनों तरीकों से हुई आई थिंक मेरे हिसाब से, क्योंकि जो फिजिकल एस्पेक्ट है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो जो एक्सटीरियर एस्पेक्ट है, वो तो मेकअप और इफ़ेक्ट्स के साथ हो सकती हैं, लेकिन जो समझ है, जो उसकी अंतरात्मा है, जो 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 सिर्फ एक एक्टिंग के क्राफ्ट से उसे कम्युनिकेट किया जा सकता है, वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ इस एक ऐसे लड़के को पेश करूँ और एक ऐसे लड़के को रिप्रेजेंट करूँ, माधव को, सच्चाई ईमानदारी और ऑथेंटिसिटी के साथ, नकली नहीं लगना चाहिए था, सच्चाई होनी चाहिए थी बस। एक सवाल कपड़ों को लेकर था, स्क्रीन पर जो कपड़े हैं वो बहुत वो दिखते हैं कि वो, तो मैं जानना चाहता हूँ ये कपड़े पुराने थे, इस पे और धूल लगाया जा रहा था, ये 2 साल मैंने पहन कर गंदा किया मैंने। संजय जी और बाकी लोग भी अगर किसी के पास अलग कोई एक्सपीरियंस हो, टॉप सीक्रेट है, बहुत बड़ा टॉप सीक्रेट है, मैं बता दूंगा तो पता है ना वो ट्रेंड कर जाएगा, तो प्लीज शेयर करें, वो मतलब बड़ा दिलचस्प होगा कि संजय सर बोल भी रहे थे मुगले आजम के कपड़े थोड़ी है, हिंदुस्तान में 15 लोग पहन के घूमते हैं। आपकी भी शर्ट बहुत वाइट लग रही है, आपके अभी शोरूम से निकाल के लेके आ रहे हैं? नहीं, धोई है अच्छे से। नहीं, एक्चुअली जिस लोकैलिटी में हम लोग शूट कर रहे थे वो एक्चुअल लोकैलिटी था ही वो, अगर आई मीन से चमार टोला ही था वो, तो वहाँ पे जाके ही हम लोग वैसा वो वहाँ धूल और वो कुछ भी कोई वैनिटी नहीं था, तो जिस स्थिति में हम लोग रह रहे थे, संजय जी ने जैसा कहा कि एक्चुअली हम लोग वो किरदार ही बन गए थे,
तो कपड़े पहन के, और मेरा मुझे याद है कि पहुंचते के साथ सेट पे बहुत सारा ब्लैक पाउडर लगा दिया जाता था, माथे में बहुत सारा ब्लैक पाउडर रहता था, रोज़ दिन होटल में जाके शैम्पू करके जब नहाती थी तो पूरा ब्लैक पाउडर निकलता था, और कुछ भी ऐसा नहीं था, हम लोग ज़मीन पे बैठ जाते थे, वो सूअर वाला सीन है उसमें आप देखिएगा, तो वो करते करते उस मनस्थिति में हम, मुझे लगता हम लोग पहुँच गए थे जहाँ हम लोगों को दूसरे शूटिंग में या ऐसे जीवन में जो सुविधाएँ चाहिए होती है वो नहीं चाहिए थी, और हम लोग काफ़ी कंफर्टेबल हो गए थे उस स्थिति में रहने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे ख्याल से एज एन एक्टर कि हम लोग वो कर पाए। हाउ टू लुक ब्यूटीफुल के ट्यूटोरियल्स हमने बहुत देखे हैं यूट्यूब पे, हाउ टू लुक अगली का पहली बार सुना है बट बहुत अच्छा। नहीं अगली तो नहीं कह रही, मतलब अगली नहीं पता नहीं यार, हाउ टू लुक डर्टी, इट्स नॉट अबाउट प्रीटी एंड बीइंग अगली, इट्स अबाउट जस्ट नो 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 यस यू हैव टू लुक योर कैरेक्टर, यू हैव टू यू हाउ टू लुक योर पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। विवान, इस फिल्म के तहत आप नए भारत से परिचित हुए होंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, और क्या कुछ ऐसे इन लोगों के उत्थान के लिए आप कुछ सोच रहे हैं आगे चल के? जी सर, ये आपने बहुत ही बड़ा सवाल पूछा है बहुत, और आपने बिल्कुल सही कहा कि एक अलग भारत देखने को मिला, आँखें खुल गई और दिल और दिमाग और आत्मा खुल गई, सोल एक्सपैंडिंग था एक्सपीरियंस ये, मतलब ये कितना गंभीर एक्सपीरियंस रहा मेरी ज़िंदगी में, मैं इसका बयान ही नहीं दे सकता हूँ, ये एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस थी, और ज़रूर मैं आई थिंक हर एक अभिनेता अपनी तरफ से कोशिश करता है समाज सेवा या सोशल सर्विस इन वॉट एवर वे वन कैन कॉन्ट्रीब्यूट एंड ट्राई टू हेल्प, बट आई थिंक सबसे बड़ी जो 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 कोशिश हम कर सकते हैं वो हमारी डे टू डे लाइफ में है, हमारी एवरीडे लाइफ में है, कि जो जिन लोगों की स्थिति हमसे अलग है उन्हें हम हमदर्दी के साथ देखें, कंपैशन और एम्पथी के साथ देखें, उनको उनका दर्द को समझें हम, और काइंडनेस और ह्यूमैनिटी के साथ, इंसानियत के साथ उनको ट्रीट करें। आई थिंक ये एक छोटी सी चीज़ है जो हम सब हर इंसान अपनी ज़िंदगी में दिन ब दिन कोशिश कर सकता है, ये एक छोटी सी चीज़ है जो क्योंकि हमारी बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड समाज है, हमारी जो जो हिंदुस्तानी समाज है वो क्लास और कास्ट सिस्टम के वजह से इतनी डिवाइडेड है और इतनी टूटी हुई है उसके वजह से, कि हमें जोड़ना है उसे वापस, ये हमारा फ़र्ज़ होता है हम सब इंसानों का और सब सब सिटीजन्स का। वेरी वेल सर, आई थिंक बहुत ही का रोल कुछ ऐसा ही था, एक कबाड़ी का रोल था जो घर घर जाके कबाड़ खरीदता था, एंड नाउ एक सुअर चराने वाले बच्चे का आप रोल कर रहे हैं। तो जो जो माधव को की प्रिपरेशन में जितना भी सीखा मैंने उसको अपनाया उसमें, कबाड़ द कॉइन का इसका कोट का फायदा उसमें नहीं, वो भी बहुत ही एक खूबसूरत फिल्म है, आप देखिएगा, बहुत ही बढ़िया फिल्म है, वरदराज स्वामी जी जो एक बहुत बढ़िया लवली पर्सन एंड वंडरफुल फिल्म मेकर, उनने बनाई थी, और वो फिल्म में काम करते भी बहुत सीखने को मिला और बहुत मज़ा आया और बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था, लेकिन फ़र्क ये था उसमें बहुत ही, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, फ़र्क उसमें उस किरदार और इस किरदार में था कि वो कबाड़ी वाला बम्बैया कबाड़ी वाला था, तो जो बम्बैया जुबान है वो मेरी ज़ुबान पर ऑलरेडी बैठ चुकी है क्योंकि मैं बम्बई का पला बड़ा हूँ, तो जो जो टपोरी भाषा होती है, जो बम्बैया भाषा होती है, जो डायलेक्ट, वो मैं ऑलरेडी जानता हूँ, और वो मतलब वही मेरी भाषा है जो मैं अपने दोस्तों के साथ बात करता हूँ, ये भाषा मेरे लिए बहुत अलग थी, और ये भाषा को सीखने में संजय जी ने बहुत मदद की मेरी, मतलब मैं बता ही नहीं सकता हूँ कि कितनी मदद की इनने, हर एक अल्फाज को, हर एक रिदम प्रोनाउंसिएशन, हर एक चीज़ को, हर एक शब्द को, कि ये शब्द ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा होगा, हम लोग यहाँ पे ऐसे बोलते हैं, मतलब बहुत बहुत इल्यूमिनेटिंग एक्सपीरियंस रहा। मेरा सवाल विवान आपसे ही करूँगा, मैं यहाँ हूँ जी। कहाँ से इंट्रोड्यूस करती है? मैं न्यूज अलर्ट से बोल रहा हूँ, मेरा नाम दिलीप यादव है, और जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं मैंने उन्हें करीब से देखा है जी। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, लेकिन तभी एक सवाल ये है, आपने वेशभूषा बदली जी, लेकिन आपने जब ट्रेलर में बोला बिजनेस करते हैं ना, वो थोड़ा सा कटक गया मुझे, वो शायद वो शब्द वो एक वैलिड ओपिनियन है आपका बिल्कुल, वो हाँ इसका जवाब मैं देता हूँ, वो 2 मिनट का होता है और हम उसमें क्या क्लिप निकालते हैं, तो वो कहीं बाद का लिखा हुआ है, क्योंकि मैं वो बंदा हूँ जो इनको बिजनेस करने के लिए सिखाता हूँ, इसलिए मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। आपका सवाल था कि वो शायद वो शब्द माधव जो है वो शब्द इस्तेमाल नहीं करता,
क्योंकि उसे वो शब्द नहीं नहीं जी 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 नवीन बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि वो जो 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 समय आता है फिल्म के दौरान वो बाद में आता है जब वो थोड़ा सा सीख चुका है नवीन के किरदार से, व्यापार किरदार से सीख चुका है वो, थोड़ी सी अंग्रेजी के एक दो शब्द भी आ गई हैं उसे, तो पढ़ा लिखा हो गया है वो तब से, तो शायद उसका उसकी वजह वो है। और आजकल तो वैसे भी इंस्टाग्राम का जमाना है सर, वो तो रील्स भी बनाते होंगे, क्या पता आपको। No, if you get an opportunity of same kind of a role, will you opt for it? Yes, of course. If the role is interesting, if the story is meaningful, then of course, why not? जी जी आप ज़्यादातर जाने जाते हैं comedy roles के लिए, तो क्या इस film को आपने अपने role का image बदलने के लिए आपने choose किया था? नहीं, मुझे कहानी अच्छी लगी थी। लोग अच्छे लगे थे, मैं नए लोगों के साथ काम करने में बहुत कंफर्टेबल होता हूँ, क्योंकि आपको जो पुराने लोग होते हैं जानते हैं आप ये कैसे काम करेंगे उनको आपके बारे, लेकिन इन लोगों के साथ काम करने का अलग आनंद था और एक अलग किस्म का रोल था, एक अलग किस्म का रोल था, इसलिए किया। कोई तोड़ने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए मेरे पास काफ़ी रोल्स हैं जो मैं तोड़ सकूँ कि मैं कॉमेडी। मेरा सवाल फिल्म के प्रोड्यूसर साहब से है सर, भी नहीं पता, बस मैं बढ़ता गया और माँ ने हारने नहीं दिया, जीतना पापा से सीखा, और अच्छा है। नमस्कार नमस्कार टीम कोट, सबसे पहले अभिनंदन जी, कुमार अभिषेक जी से, शिवारियन जी से एंड अर्पित जी से सवाल है मेरा हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर्स के लिए। सर जैसे कि आप लोगों ने बताया कुछ नया आइडिया, कुछ इनोवेटिव आइडिया आप लोगों को इतना खास लगा, इस वजह से ये इस फिल्म में आपने उसे ऑप्ट करा और उसे प्रोड्यूस किया, तो जैसे कि आज के समय के नए राइटर्स हैं, मॉडर्न राइटर्स हैं, मैं एक एक्टर हूँ, आई एम अ राइटर एज वेल, सो मतलब कैसे अप्रोच करें कि आपको वो स्क्रिप्ट पसंद आए। कुमार जी एंड मैं यहाँ पे हूँ, सर अभिषेक जी मैं यहाँ पे, हाँ कैसे आपको वो स्क्रिप्ट के लिए अप्रोच करें कि आप लोग एज अ प्रोड्यूसर उसको समझ करके उसमें कदम रखें। यह स्क्रिप्ट मैंने अपने लिए बनाई थी। अच्छा, फिर क्या हुआ कि लोग नहीं मिले, फाइनेंस नहीं मिला, लोग बोले कि तुम पे कौन पैसा लगाएगा, तो बोले कि बेटा ये कर लो तो ये कर दूंगा, लोगों के झूठ ने मुझे आज यहाँ तक खड़ा कर दिया। किसी कुछ दौर पे मैं खड़ा हूँ तो इसके लिए थैंक यू सो मच सर। देखिए इनिशियली तो अभी हम लोगों का 250-250 स्क्रीन का प्लान है, और जहाँ मार्केटिंग की बात है तो मार्केटिंग के जितने भी मीडिया में आउटडोर, डिजिटल, सोशल मीडिया, मोबाइल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सभी ट्राई करेंगे। अब फाइनली कॉल तो ऑडियंस का, ऑडियंस को अच्छी लगेगी तो मूवी डेफिनेटली चलेगी। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। हाय, दिस क्वेश्चन इज फॉर द एक्टर्स, सो यू गाइस हैड, इज इट ओके इफ आई टॉक इन इंग्लिश? सो द क्वेश्चन इज फॉर द एक्टर्स इज दैट यू गाइस मेंशन दैट यू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू गेटिंग अ जेन्युइन डायलेक्ट आउट ऑफ ईच एंड एवरीवन, बट व्हाट एफर्ट डिड यू गाइस पुट इन हैविंग अ जेन्युइन डिमीनर, लाइक अ फिजिकैलिटी, एज द वे यू मूव, द वे यू वॉक, द वे यू एक्सप्रेस योर हैंड्स? That's a very interesting question. That's I think that's one of the prime attempts when molding the performance. Some people like to work from the inside outwards, and some people like to work from the outside in. So as far as finding the demeanor and the body language, that for me was the fundamental thing. That was the primary thing. That the way, the kind of gait Madhav would have, the way he would walk, the way he would hang his shoulders. You know, his entire, uska jo chal jise bolte hain, chal. That was the first thing I found of Madhav. And in that actually I was drawing upon, aur uske liye actually Bihar bhi jane ki zarurat nahi padi. That actually drew a lot from one's own observations in the city of Bombay. Jaise aap dekhoge sadak pe, a lot of people, whether they're migrant workers from UP or Bihar, You see a specific type of walk. You see the way that they walk. And another interesting thing that since my childhood I've seen, which we used in the film, is two men walking and holding hands together. And it's such a beautiful thing. It's a very beautiful sight, you know. And that is something that, in fact,
मुझे ही सूझा एक दिन शूट पे, अभिषेक जो दूसरा अभिषेक जो एक्ट कर रहा है, एक दिन हमने अभिषेक चौहान फैंटेस्टिक एक्टर वो तो बस मैंने मैंने बस सोचा कि हम लोग जब चल रहे थे लिट्टी चोखा खाने के लिए तो वहाँ साथ में हम ऐसी शॉट में हाथ डाल दिया, हाथ पकड़ के हम चलने लगे. तो यू नो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड दैट्स सो इंटरेस्टिंग दैट द बॉडी लैंग्वेज इज वन थिंग दैट आई डिडंट इवन नीड टू गो टू बिहार टू अंडरस्टैंड. आई कुड अंडरस्टैंड जस्ट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस इन बॉम्बे. हेलो ज्योति नाच गाना आइटम सॉन्ग्स एंड मसाला. I really love how you have given the deep analysis of this trailer. Beautifully said, sir. चंद शब्द में कहूँ तो ट्रेलर में कलाकार नजर नहीं आए, किरदार नजर आए. क्या बात है, क्या बात. खेलिए सर आप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. और देखिए ट्रेलर की सर तारीफ करनी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे अच्छा अच्छा बोलना. ओके जोक्स अपार्ट, एनीबडी एल्स? आई थिंक आई सी लॉट ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन आउट देयर, सो एनीबडी वुड वांट टू से दैट. मैं दो पंक्तियाँ पेश करना चाहता हूँ हमारे मूवी के ट्रेलर के लिए, प्लीज. बिल्कुल जी अभिनंदन जी. अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पा के दिखा, और लिख दे मेहनत से अपने कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को है दम तो इसे मिटा के दिखा. वरुण इज देयर? वरुण सो सम सेंटर. हाय सर 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 शिव सर एक साथ में सर फोटो साथ में साथ में फोटो सर लोग क्या व्हाट आर वी सेंटर लोग सर सेंटर सेंटर ऑल ऑफ यू सेंटर चलिए सेंटर थैंक यू.